दंगा रोकने में मौजूदा सरकार विफल रही है। जहाँ तक हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्गों पर आफत की बात है, कुछ पूछिए मत। जैसे 32 दांतों के बीच बेचारी जीव रहती है, वैसे ही वे लोग राज में रह रहे हैं। यह आवाज असहाय और शोषित वर्ग के हितों के महायोद्धा कर्पूरी ठाकुर की है, जो बिहार के मुसहर टोली से लेकर विधानसभा तक लगभग आधी सदी तक गूंजती रही। कर्पूरी जी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शरीक होते हैं। 1947 तक जेल जाने का क्रम चलता है और पहली बार 1952 में बिहार विधानसभा के विधायक के रूप में चुने जाते हैं। उसके बाद मृत्यु तक वह बिहार विधानसभा का कोई भी चुनाव नहीं हारे। 1970 में कर्पूरी ठाकुर पहले समाजवादी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं।